द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई माइट से सो, इज साइकोलॉजिकली ब्रोकन. ही हैज कोलैप्स्ड, साइकोलॉजिकली कोलैप्स्ड. अरविंद केजरीवाल जी को भाई लाओ तो मत यार, आज जमानत मिली है. जितना आरएसएस गांधी परिवार से डरता है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी डरी हुई है, और अब तो तीन तीन गांधी झेलने पड़ेंगे. नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है. मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन पर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में चप्पल फेंकी गई है. लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या राहुल गांधी कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू से तो लगता है कि किसी बड़े खेल की तैयारी है. आप लोगों ने राहुल गांधी को इतना आक्रामक कभी देखा है? मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो बताइएगा. लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी के अंदर राहुल गांधी का डर साफ दिख रहा है. जितना आरएसएस गांधी परिवार से डरता है उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी डरी हुई है, और अब तो तीन तीन गांधी झेलने पड़ेंगे. के वीडियो में हम राहुल के एरोगेंस के साथ बीजेपी के डर को भी डिकोड करेंगे. उसके पहले हम एक बात साफ कर दें कि हम प्रधानमंत्री पर फेंकी गई चप्पल का समर्थन नहीं करते, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है. अब बात करें मुद्दे की. क्या आप जानते हैं कि मौजूदा एनडीए सरकार पिछले 26 सालों में अल्पमत की सबसे कमजोर सरकार है? ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. जरा देखिए कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार पीएम बने थे तब एनडीए को 269 सीटें मिली थी, और फिर यही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 29 सीटों का सहारा दिया था, तब जाकर संख्या 298 पहुंची थी. अब 2004 को याद कीजिए, किसी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन यूपीए ने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी और सीटें थी 335. 2009 की यूपीए 2 में समर्थक सहित 322 सीटों से सरकार बनी थी. उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही. लेकिन अब 2024 में एक बार फिर सहयोगियों के दम पर बड़ी मुश्किल से नंबर जुटाए गए, लेकिन आंकड़ा पहुंचा सिर्फ 292. इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि ये सरकार पिछली अल्पमत की सरकारों से कितनी कमजोर है. इसलिए राहुल गांधी बार बार सरकार गिरने के संकेत दे रहे हैं. लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी खुद सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सरकार अपने अंतर विरोधों से गिर जाएगी, ये लगभग सभी का अनुमान है, क्योंकि मोदी और शाह के सरकार चलाने के स्टाइल से बीजेपी के भीतर लावा खौलने लगा. बगावत का इतना डर है कि संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई गई. आरएसएस का दबाव अलग से मोदी और शाह पर है, तो कुल मिलाकर सरकार अपने सहयोगियों को बांध कर रखे, यही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में सरकार कितने दिन चलेगी कहा नहीं जा सकता. अब जरा राहुल गांधी ने जो आगे कहा उस पर ध्यान दीजिए. एनडीए के कई सांसद संपर्क में हैं. किसी भी कमजोर सरकार के लिए ऐसे शब्द बहुत भयानक होते हैं. तो किन सांसदों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी को हासिल 240 सीटों में से 106 ऐसी सीटें हैं, ऐसे सांसद हैं जो दूसरी पार्टियों से आए. इनमें से ज़्यादातर वो थे जिन्होंने ईडी और सीबीआई के दबाव में बीजेपी ज्वाइन की और अपने जान माल की सुरक्षा करते रहे. अब सरकार को कमज़ोर होता देखकर दूसरी पार्टियों से आने वाले यही सांसद अपनी अपनी पार्टियों में वापसी करने के लिए अपने नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से उनकी विचारधारा ही मेल नहीं खाती. खासकर आजकल की बीजेपी से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती. सोचिए इन 106 में से आधे भी निकल गए तो बीजेपी का क्या हाल होगा? बीजेपी वहां पहुंच जाएगी जहां से उसने शुरुआत की थी. यही डर बीजेपी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है.
उधर ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को बता दिया है कि 4 से 5 सांसद टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने तो ऐलान किया है कि जो लोग छोड़कर गए थे उनमें सबको एंट्री नहीं देंगे, पहले इंटरव्यू होगा फिर महाविकास आघाड़ी में शामिल करेंगे। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी एनडीए सांसदों के संपर्क में हैं। खुद बीजेपी के कई सांसद 10 साल से मोदी और शाह की तानाशाही से परेशान हैं, वो भी तैयार बैठे हैं। तो फिर राहुल गांधी की बात में वजन है, सरकार कभी भी गिर सकती है। याद कीजिए कि 2016 के बाद कांग्रेस छोड़ने वालों की कैसे लाइन लगी हुई थी, कभी सिंधिया निकल गए तो कभी जितिन प्रसाद, कभी रीता बहुगुणा तो कभी कैप्टन अमरिंदर। इस लोकसभा चुनाव के पहले तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन नतीजों के बाद ये समझ में आया कि पार्टियों को नेता नहीं बल्कि जनता चलाती है, किसी के अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न सिर्फ कांग्रेस ने 10 साल बाद बेहतर परफॉर्मेंस दिया है बल्कि उनके सहयोगियों का परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ है। तो आज देश में एक मजबूत विपक्ष है जिसकी लंबे समय से दरकार थी। राहुल गांधी के बयान से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।